हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बारिश ने फ्रेंड हमारे जो सेटअप था उसका सत्यानाश कर लिए फ्रेंड्स। तो ये आपको मैं बताता हूँ। चलो, अभी मैंने अपने बाढ़ से आगे दाना वगैरह डाले है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो शेर में दयाद का जिस पेयर का मैंने आपको बोला था कि इस पेयर ये वाला पेयर उसके साथ इसका जो बच्चे थे वो हम तो राब भाई को गिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड, उसका बहुत बुरी बैड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं अपनी छत के ऊपर आया हूँ, तो फ्रेंड वो आप सामने देख सकते होंगे कि शोशेर में दयाद का जो बच्चा था, जो स्पेयर का जो बच्चे थे, वो फ्रेंड मर चुके हैं बारिश लगने की वजह से। मतलब कि बहुत बुरा हाल हो गया अभी उसका। तो गर्मी भी काफ़ी है फ्रेंड, गर्मी में इन्होंने खुद ही ब्रीडिंग वगैरह की थी। मेरा इरादा तो नहीं था इनसे ब्रीडिंग वगैरह लेने का, लेकिन इन्होंने ब्रीडिंग वगैरह कर ली थी। तो इस वजह से फ्रेंड जो है अभी इनका जो बच्चा था वो मर गया, ये वाइट वाली फीमेल का, जिस स्पेयर का मैंने बोला था कि उनको गिफ्ट करेंगे। तो अभी इसमें क्रेट को ये बाहर निकाल लूँगा, तो इसको अभी अब इनसे ब्रीडिंग वगैरह हम नहीं लेते, तब इनको ब्रीडिंग जो है वो स्टॉप कर लेंगे। तो चले मैं इनके क्रेट को बाहर निकालता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। और फ्रेंड, इसके अगर देखा जाए तो फ्रेंड जो दूसरे पेयर थे, इस पेयर ने एक बच्चा निकाला हुआ था, और इस में अभी ये वाली फीमेल जो फिर दोबारा उनके ऊपर बैठी हुई है। अभी शायद इसके बच्चे एक दो तीन तक निकलाएँ, अगर देखते हैं निकलाएँ तो ठीक है, हम इनका क्रेट पेयर अभी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये वाले पेयर भी जो बच्चे वगैरह निकाले वो मर जाए, ऐसा ना हो जाए। तो चले मैं दूसरे क्रेट को बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे जितने भी आप हमारे व्यूवर्स हैं सब के लिए बैड न्यूज़ बस यही बैड न्यूज़ थी कि जो बच्चे थे हमारे, आप देख सकते हैं कि अंदर तक पानी चला गया है, सारी उसका सत्यानाश हो चुका है। मैं अपने बर्ड्स को बाहर निकालूंगा सबको, और इन किसी को पूरे केज की वगैरह सफाई वगैरह करूँगा, क्योंकि काफ़ी बैड सिचुएशन होगी सारे सेटअप की, क्योंकि बारिश जो लगी हुई थी वो काफ़ी तेज़ लगी हुई थी, और मैंने रात को नहीं आई हुई थी, तो नहीं तो मैं शापर वगैरह जो है आप यहाँ पर लगे इसको मैं आगे कर लेता। तो मुझे नहीं पता था कि रात को इतनी तेज़ बारिश होगी, तो इस वजह से जो है सारा जो सेटअप उसका सत्यानाश हो गया है। और दोस्तों, जो यहाँ पर ऊपर मैना जो रहती थी उनका जो घर था, तो वो भी अपने बच्चों को उड़ा के जाएगी है फ्रेंड्स। तो आप में से बहुत भाई बोल रहे भैया हमें दिखाएं दिखाएं, तो कल मैंने शाम को देखा था वैसे ही, तो वहाँ पर नहीं थे बच्चे, वो अपने बच्चों को उड़ा के ले गई थी। पहले यहाँ पर थे, ऊपर बोलने की बात आती थी, लेकिन अब वो यहाँ से उनको लेकर भाग गई, उड़ा के ले गई उनको। और दोस्तों, जो जिस पे बच्चे का मैंने बोला था कि वो सामने रहते, वो भी यहाँ से चला गया। इतना दिन हो गया उसको मैंने नहीं देखा, क्योंकि सामने दरख्त के ऊपर रहता था जंगली कबूतर जो था, वो भी यहाँ से कहीं चला गया। और दोस्तों, जिस पेयर के बच्चे मरे हैं अभी इनकी फिर दोबारा मेटिंग वगैरह चल रही है, तो अभी इनसे हम ब्रीडिंग वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर दोबारा ये देंगे, क्योंकि गर्मियों के दिन है। अब इनसे बार बार ब्रीडिंग लेना तो अच्छा नहीं है, ऐसा ना हो कि गुनाह ही होते फ्रेंड, ये फिर दोबारा मर जाएंगे, तो ऐसा ना इनके नुकसान होगा, फिर दोबारा ये देंगे अंडे देंगे फिर बच्चे वगैरह मर जाएंगे, ऐसा ना हो कि बरसों के मसला वगैरह हो। अभी हवा वगैरह चल रही है हल्की हल्की, तो हल्की हवा वगैरह चल रही है ठीक है, क्योंकि फ्रेंड वैसे आवाज़ हो जाती है सारी, क्योंकि बारिश लगी हुई है, फिर आपको बताइए सारा सिचुएशन का। तो अभी इनकी केजेस बुक पे इनको मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट करूँगा, और यहाँ पर इनकी केजेस वगैरह की जो सफाई वगैरह करेंगे हम, फिर दोबारा इनको उधर छोड़ेंगे। तो फ्रेंड, इसके अलावा मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसके इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करें, और यहाँ पर फ्रेंड जो है यहाँ अब बड़ा जाल बनाएंगे यहाँ पर पिजन्स के लिए। तो यहाँ पर मतलब जिस तरह शेर में ज़्यादा तो आप इन्हें बनाए हुए अपने छत के ऊपर, तो हम भी उस तरह के यहाँ पर केजेस वगैरह बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी बर्ड्स वगैरह ला के रखे जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है दरख्त वगैरह पड़े हुए पौधे वगैरह। तो अभी यहाँ ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा जगह से आगे पूरा कवर करके यहाँ पर पिजन के लिए बड़ा सारा जाल बना लूँ, वो खुद अपनी मर्ज़ी से आएंगे जाएंगे, मतलब के फिर आप, क्योंकि आप लोग इसी तरह बोलते हैं, मैं सोचा क्यों नहीं इसे आर इस तरह ही बनाया जाए। तो उसके अलावा फिंचेस वगैरह का भी सीन में कर रहा हूँ यहाँ पर, छह सेटअप के ऊपर फिंचेस वगैरह ला के रखते हैं यहाँ पर। आपने ऐसे बहुत से बंगे मुझे कमेंट किया, और उसके अलावा टर्की वगैरह जो होते हैं वो भी ला के रखेंगे हम इंशाल्लाह। आने वाले जो व्लॉग्स होंगे हमारे फ्रेंड वो काफ़ी खूबसूरत होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, तब तक मुझे याद दीजिएगा। फिर मान लेना।